नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बस चंद दिन शेष रह गए हैं। शनिवार को सातवें चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा होता दिख रहा है जो ये बता रहा है कि बीजेपी के मन में चुनाव नतीजों को लेकर शंका घर कर गई है। तभी तो विकास का राग अलापने वाली पार्टी अब मुस्लिम राग अलाप रही है, विकास की परिभाषा को अलग तरीके से समझा रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि बीजेपी इस वक्त केवल और केवल मुस्लिम आरक्षण और पाकिस्तान पर केंद्रित हो गई है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या हर बार चुनाव का नैरेटिव सेट करने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस की पिच पर बैटिंग करनी पड़ रही है? क्या उसे फिर से उसी पथ पर चलना पड़ रहा है जिसे वो पीछे छोड़ आई थी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आखिरी चरण के लिए बीजेपी अपनी सारी मशीनरी का उपयोग पुरजोर तरीके से कर रही है। पार्टी ने अंतिम चरण में होने वाले यूपी की 13 सीटों को अपने पाले में करने के लिए हरेक दांव चल दिया है। पहली बार ऐसा देखा गया जब बीजेपी और खासकर पीएम मोदी खुलकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते नजर आए। अपने कोर हिंदू वोटरों को लगातार पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह साधने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए राम मंदिर, पीओके और मुस्लिम आरक्षण पर पार्टी खुलकर बैटिंग कर रही है। पीएम मोदी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब पीएम मोदी तमाम मीडिया संस्थान को एक के बाद एक लगातार इंटरव्यू भी देते जा रहे हैं। पीएम मोदी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं कि पहली बार पीएम मोदी तमाम मीडिया संस्थान को एक के बाद इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी की नैया डोल रही है, यही कारण है पीएम मोदी ताबड़तोड़ इंटरव्यू और रैलियां कर रहे हैं, और मोदी के पीछे पूरी पार्टी हिंदू मुसलमान पर आ गई है, ऐसा विपक्ष का कहना है। इसी कड़ी में अब आखिरी चरण से पहले मोर्चा संभाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जो रैलियों में सीधे तौर पर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में बोल रहे हैं और विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। पूर्वांचल के सलेमपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर आक्रामक अंदाज में इंडी गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि जब तक बीजेपी का एक भी सांसद संसद में मौजूद है, तब तक धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मैं आज मोदी जी की गारंटी कहने आया हूँ, मोदी जी के रहते एसटी एससी और ओबीसी का आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई समाप्त। उल्टा एक कांग्रेस और अखिलेश जी ने मुस्लिम आरक्षण की जो बात करी है, वो मुस्लिम आरक्षण वो ओबीसी का पिछड़ा वर्ग का काट कर देने वाले। मैं आज बताने आया हूं, एक भी सांसद भाजपा का संसद में है तब तक मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। मुस्लिम आरक्षण के अलावा अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर हिंदू वोटरों को साधने का प्रयास किया। एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुस्लिम आरक्षण, राम मंदिर के अलावा इस चुनाव में पीओके का मुद्दा भी बीजेपी लगातार उठा रही है। सलेमपुर में अमित शाह ने पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर एक बड़ा बयान देते हुए अपने कोर वोटरों को मैसेज दिया। एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम भाजपा वाले नहीं डरते। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, सोहेल देव जी की भूमि पर, चित्तू पांडे की भूमि पर,
मंगल पांडे की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। चुनाव के आखिरी चरण में जिस तरह से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के तेवर देखने को मिल रहे हैं, उसे विपक्ष बीजेपी की बौखलाहट करार दे रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के पास महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं है, इसलिए पार्टी आखिरी चरण से पहले एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ने लगी है जो बीजेपी की असलियत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे एनडीए की नकारात्मक राजनीति बता रहे हैं। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि मैं आखिरी, जो दिल्ली वाले और यूपी वाले जो कह रहे हैं कि अपनी जान दे देंगे या जान, वो डायलॉग मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन डायलॉग कुछ इस तरह का है कि वो कहते हैं हमारी जान चली जाएगी लेकिन आरक्षण पिछड़ों का नहीं छोड़ने देंगे। सच्चाई ये है, न उनकी जान जा रही है न वो जान जोखिम में कर रहे हैं। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। पी का मतलब है पीडीए, पी से पूर्वांचल भी है, पी से प्रोग्रेसिव भी है। तो पीडीए जो है परिवार, वो प्रोग्रेसिव है। पीडीए परिवार में पूर्वांचल शामिल है। एनडीए है निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं और नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल की सियासी फिजाओं में किस पार्टी की महक वोटरों तक पहुंचती है और कौन इससे महरूम होता है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि इस बार का चुनाव उतना आसान नहीं है जितना बीजेपी ने सोचा था। शायद यही कारण है कि हिंदू वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी खुलेआम बैटिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।